अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 16 दिन शेष रह गए हैं और गुजरते दिन के साथ मंदिर प्रांगण में कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। राम मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर मूर्तियां स्थापित हो गई हैं। मंदिर के सामने वाले गेट को सिंहद्वार कहा जाता है। इसकी जो तस्वीर सामने आई है उसमें दोनों तरफ हाथी और सिंह की मूर्ति है। इनके साथ एक तरफ गरुड़ और दूसरी तरफ हनुमान जी विराजमान। लेकिन इन तैयारियों के बीच भगवान राम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयानबाजियों का दौर भी जारी है, जो थम नहीं रहा है। भगवान राम को मांसाहारी कहने पर शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वाड ने माफी मांग ली, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने मंदिर को अनर्गल बयान दे दिया। मंदिर को लेकर उनका ये बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने निशाना तो पीएम मोदी पर साधा, लेकिन कहने लगे कि राम को मंदिर की जरूरत नहीं। तेजस्वी के इस बयान के बाद गिरिराज सिंह ने उनसे पूछा कि क्या वो पटना के हज हाउस को अस्पताल में बदल देंगे। आप लोगों को क्या दिया जाए, विमान पढ़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे? यही ना चाहते भाई? तो सुखी संपन्न खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। ये जिस गठबंधन से है और जिनके पुत्र हैं, इसलिए इनके टोटल राजनीति के डीएनए में ही है राम विरोधी। जब राम भक्तों पे गोली चली थी, मुलायम सिंह के पक्ष में खड़े हुए लालू यादव, मैं तेजस्वी यादव से कहूंगा, तेजस्वी जी आप हज यात्रियों के लिए क्या कहेंगे? कुछ संदेश देंगे कि वो ये समय ना बर्बाद करें, काम काज करें? क्या हज भवन पटना में आप अस्पताल खुलवाएंगे? आप डिप्टी सीएम हैं,